हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे फटाफट से। तो मेरे जितने भी साथी हैं वो अभी मुझे एक बार बता देंगे फटाफट से। जितने भी साथी अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद जितनी भी आज की चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ साफ आ रही है तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। गाइज, अभी क्या है कि कुछ जो है आप लोगों की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं दिख नहीं रहा हूँगा आप लोगों को। लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हाँ जी सर, आवाज़ आपकी क्लियर है। बिल्कुल आवाज़ साफ आ रही है। कुछ ना अचानक से इशू हो गया कैमरे में, तो उसकी वजह से मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को शेड्यूल बता दूं अपना। जो शेड्यूल है आप लोगों को जैसा कि मालूम है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सुबह को 6 बजे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डेली सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक आप लोगों का 11 बजे क्या होता है, फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों। आपके कोई भी एग्जाम है, अगर आपकी जीके वीक है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ में। आप कोड यूज कर लेंगे GC10 सब्सक्रिप्शन के लिए। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 1 महीने से लेकर के आपके पास 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है। और ये कोड आप लोग लगा देंगे GC10। 11 बजे मैं आप लोगों को 22 तारीख से इस बैच को कराने जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, शाम को 7 बजे रेलवे की क्लास होती है। तो इनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग, याद रखेंगे। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है सभी लोग, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आज का है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बैच स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका आने वाले टाइम में SSC का एग्जाम है। चाहे SSC CHSL का एग्जाम हो, चाहे CGL का एग्जाम हो, चाहे GD का एग्जाम हो, चाहे MTS का एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं SSC के, उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन जिनका SSC का एग्जाम नहीं है उसके अलावा भी उनको भी यहाँ का बेनिफिशियल होगा, ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एवरी संडे 12 बजे मेरे दोस्तों आप लोगों का एक हम कॉम्बेट कराते हैं, जो कि एक स्कॉलरशिप पोल होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है GC10। फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है। आप लोग क्या करेंगे, उस पर एनरोल कर लेंगे तो क्या होगा, एवरी संडे 12 बजे। तो एवरी संडे 12 बजे आपको SSC का एग्जाम इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप दोगे, जहां पर सभी स्टूडेंट देते हैं, और आपकी जो रैंक होगी उस रैंक को आप जान पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको मिस मत करना आप लोग बिल्कुल भी। इसीलिए संडे को मैं क्लास आपकी नहीं लेता हूं। ठीक है, चलिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो SSC को लेकर के आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आपकी। SSC को लेकर के आज मैं देखो, किसी यहां पर SSC क्या क्या सब्जेक्ट्स को पूछता है। SSC पूछता है हिस्ट्री को, SSC पूछता है ज्योग्राफी को, SSC पूछता है पॉलिटी को, करंट अफेयर को, स्टैटिक को, साइंस को। तो आज जैसे 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको करंट अफेयर के, वैसे ही कभी पॉलिटी कराऊंगा, कभी ज्योग्राफी, कभी हिस्ट्री। तो यही सब चीजें SSC के लिए होंगी आप लोगों की, यहाँ पर बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो जो आपके SSC एग्जाम को टारगेट करके वही क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? अब चला जाए आगे फटाफट से। जिन साथियों ने क्या कहते हैं, अगर हम बात करेंगे जिन साथियों ने, ठीक है, अभी तक क्या कहते हैं, आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे सभी मेरे साथी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है कराने वाला हूँ, SSC स्पेशल। ओके, क्लियर है, चलिएगा। तो सेशन को शुरू किया जाए, और शुरू करने के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, सब प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों डेली 5 बजे की टाइमिंग फिक्स कर लीजिएगा, मंडे टू सैटरडे। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आप लोगों की, तो निम्नलिखित में से किसने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पत्रकारिता पुरस्कार जीता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे इंपोर्टेंट। कैसा मार्क कर लेंगे? इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे।
और इंपोर्टेंट मार्क करने के साथ ही आपसे क्या पूछा जा रहा है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार किसने जीता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, आज से क्लास कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का जो पत्रकारिता पुरस्कार है वो नितिन सेठी ने जीता है, शिव सहाय सिंह ने जीता है, सकेतु मेहता ने जीता है, या बोथ ए एंड बी। तो आपने जहां पर बोथ देखा नहीं आप उसी को लगा देते हो। तो एक है नितिन सेठी, एक है शिव सहाय सिंह। तो दो लोगों को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पत्रकारिता पुरस्कार का अवार्ड मिला है, उनका नाम है नितिन सेठी, शिव सहाय सिंह। इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई आपको बात? चलिएगा आगे बात करते हैं। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020, निम्नलिखित में से किसे 2020 के शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है भैया 2020 के लिए? तो जल्दी से बता दो कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है, कृतिका पांडे को, प्राची सालवे को, आरफा शेरवानी को, या सुधा पैनुली को? इंपोर्टेंट है, मार्क करिएगा, ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का आंसर जानना चाह रहा हूं मैं कि क्या आंसर आप लोगों का होगा। तो यहां पर देखिएगा, बिल्कुल सही, जैसे कि बनारसी बाबू कह रहे हैं सुधा पैनुली, सुधा पैनुली। तो दो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी पर बेस में आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढ करके लाया हूं, ध्यान रखेंगे। एक कौन है, सुधा पैनुली है। तो सुधा पैनुली कौन है अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, तो सुधा पैनुली के बारे में अगर आपसे बात की जाएगी तो सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है 2020 के, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। कोई डाउट होगा कैसा भी तो बता देंगे। अभी तक दो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है, मतलब जो हमारा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लंदन में है। तो इसने डेमोक्रेसी इंडेक्स मतलब लोकतांत्रिक में, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 53। कितनी है दोस्तों? 53 रैंक है। ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लंदन के अंदर। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स है, कौन सा दोस्तों? हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसका भी आज रिलीज हो गया है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी बनी है इस बार? 139 है मेरे दोस्तों, 139 हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 149 में से। तो टोटल 149 कंट्री है, उस 149 कंट्री में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 139 रैंक है। पाकिस्तान की रैंक हमसे अच्छी है, वो 105वें नंबर पर है। और टॉप करने वाला कौन है दोस्तों? फिनलैंड है। कौन है टॉप करने वाला? फिनलैंड है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। पिछले साल भारत की रैंक कितनी थी? 144 थी। पिछले साल 144 थी भारत की रैंक, इस बार 139 है, ठीक है। और 149 में से 139 रैंक रही है, याद रखेंगे। ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे चलते हैं, यही सब पेपर में पूछा जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि म्यांमार में क्या है, आर्मी ने पूरा तख्ता पलट कर दिया था। आर्मी ने वहां की गवर्नमेंट, जो वहां के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बंधक बना लिया था। तो ये आर्मी चीफ जनरल की बात पूछ रहे हैं, म्यांमार के आर्मी चीफ जनरल कौन है? तो म्यांमार के आर्मी चीफ जनरल कौन है जल्दी से बताएंगे फटाफट से, विन मिंट है, आंग सान सू की है, लोटे श्रिंग है, या मिन आंग हुइंग है? तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। तो जो आर्मी चीफ जनरल है म्यांमार के, वो कौन है? मिन हुआंग हुआंग, मिन हुआंग हुआंग, याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा विन मिंट, तो विन मिंट वहां के प्रेसिडेंट थे, आंग सान सू की वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, याद रख लेंगे। और लोटे श्रिंग जो है ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो विन मिंट वहां के प्रेसिडेंट थे, मतलब म्यांमार के, आंग सान सू की वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, और दोस्तों मिन वांग हुइंग ये क्या थे? आर्मी चीफ जनरल थे। इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, कोई डाउट है तो मुझे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो ये आप लोगों का जो है इसको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन आप लोगों के एग्जाम का पार्ट बनेगा। डेली आपकी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, और डेली जो क्लास की टाइमिंग है आप लोगों की, वह मेरे दोस्तों आप लोगों की जो है यहाँ पर आके कहते हैं पूछी, डेली इस तरह की क्लास आप लोगों की होगी। और इसका टेस्ट होगा वो कितने बजे होगा, इसका जो टेस्ट होगा वो आप लोगों का 6 बजे होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार देखेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा 2020 यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, इस तरह के अवार्ड को एसएससी बहुत पूछता है, याद रखेंगे। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है किसका मेरे दोस्तों, यूनेस्को का गैलीरेमो का, जो यूनेस्को का गैलीरेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज तो है लेकिन किसका है, यूनेस्को का, यूनेस्को का। तो दोस्तों उसने किसको नॉमिनेट किया है बता देंगे जल्दी से विजेता के रूप में, मारियाना को, मोरिसाना को, जेनेथ को या मारिएके को, किसको किया है। अब देखो यहां पे क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया तो बच्चों को क्या लगने लगा, टफ लगने लगा, लेकिन पेपर तो इसी तरह का पूछता है ना। अब आपको क्या मार्क करना है बस सुन लीजिएगा, आपको ये करना है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है कब का है, 2020 का है, किसके द्वारा है, यूनेस्को गुलीरेमो कैनो के द्वारा है। ये किसको नॉमिनेट किया है विजेता के रूप में, तो जिनेथ विद्या लीमा को इसमें क्या किया गया है दोस्तों, आप लोगों का नॉमिनेट किया गया है। किसको नॉमिनेट किया गया है दोस्तों, इसमें नॉमिनेट किया गया है जिनेथ वेदुआ लीमा को नॉमिनेट किया गया है, उन्हीं को आप लोगों का ये अवार्ड मिला है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, कोई डाउट यहां पर हो तो मुझे आप लोग अभी बता सकते हैं, सारी चीजें क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने मिस कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन हर कोई आपको नहीं करवाएगा, मैं बता दूं आपको, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, समझ में आ गया, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019-20 के लिए मेरे दोस्तों किसको मिला है, गुरप्रीत सिंह संधु को, संजू यादव को, रत्ना बाला देवी को या फिर बोथ ए एंड बी को। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा, गुरप्रीत सिंह संधु और संजू यादव दोनों को मिला है। अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा प्रफुल्ल पटेल। क्या आंसर आ जाएगा, प्रफुल्ल पटेल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मेरे दोस्तों प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस ये चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल को करके आप लोगों का कराया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, कोई डाउट है तो यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हैं। दोस्तों एक यहाँ पर स्टूडेंट है हमारे, जरूरत वाला ज्ञान इन हिंदी, इनको सभी लोग प्लीज रिपोर्ट कर देंगे ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इनको ब्लॉक कर सकते हैं, एक रिपोर्ट कर देंगे इनको ब्लॉक के लिए, तो थोड़ा माहौल जो है दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आगे चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या आ जाएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से, ठीक है, आप लोगों का जो है अगर हम बोलेंगे तो 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है, तो लता मंगेशकर अवार्ड इंपोर्टेंट है, याद रख लेंगे। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 दोस्तों अगर पूछा जाएगा तो किसे सम्मानित किया गया है, आशा भोसले को, ठीक है, एसपी बाला सुब्रमण्यम को, छन्नू लाल मिश्रा को, ठीक है। उसके बाद है अगर हम बात करेंगे उषा मंगेशकर को, ये चीज अगर हम बात करेंगे नॉर्मली तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा उषा मंगेशकर। ये क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, रिपीट होगा, एनटीपीसी में पूछा गया था और अभी आरआरबी पीओ में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब आप साथियों जो भी आप लोगों का आंसर बनेगा, मतलब आपको कोई स्पेशल टॉपिक इस क्लास में करना होगा एसएससी के लिए, आप मुझे वीडियो के बाद में कमेंट कर देंगे वीडियो के नीचे, ओके। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसे 2020 डेटन लिटरेरी, देखो ध्यान से समझना है, एक एक पुरस्कार इंपोर्टेंट है,
डेटल लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये डेटन तो देने वाला है जिसने दिया है, तो डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? 2020 का डेटन लिटरेरी, लिटरेरी आप लोगों का पूछा जाएगा, पीस प्राइज पूरे जीवन भर की उपलब्धि के लिए किसको मिला है, याद रखेंगे ठीक है। तो ये आप लोगों का दोस्तों क्या है, डेविड अटनबर्ग है, मार्गरेट एटवर्ड है, या फिर मैरी के लुकास है, या ग्रेटा थुनबर्ग है, आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। काफी अच्छी चीज मैं आपको करा रहा हूं, और जिस मेरे साथी को साफ नहीं दिख रहा है वो क्वालिटी को, यूट्यूब की क्वालिटी को 144 से हटा लेगा तो उसको सारी चीजें साफ दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये मिला है मार्गरेट एटवुड को, किसको मिला है, मार्गरेट एटवुड को। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलेंगे इसको। तो डेटन लिटरेरी जो पीस प्राइज है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दोस्तों, ये किसको मिला है, ये मिला है आप लोगों के मार्गरेट एटनवुड को। मैं सारी चीजें याद करा दूंगा। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर डेली 6 बजे एसएससी का टेस्ट प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। आईजी नोबल प्राइज मेडिकल एजुकेशन के लिए, आईजी नोबल प्राइज मेडिकल एजुकेशन के लिए किसको दिया गया है? तो आईजी नोबल प्राइज मेडिकल एजुकेशन के लिए किसको मिला है, आनंद महिंद्रा को, नरेंद्र मोदी को, नितिन सेठी को, के सिवान को? तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो आईजी नोबल प्राइज आप लोगों का मेडिकल एजुकेशन के लिए किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया था? सुधा पैनुली को, डेविड एटनबर्ग को, या डेविड एटन बारो को, नहीं ये शांतनु नारायण को, या फिर आप लोगों का मैरी के लुकास रिजनेवेल्ट को? तो आंसर कर देंगे फटाफट से, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह द्वारा, या इंदिरा गांधी फाउंडेशन द्वारा जो इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार है वो मिला है डेविड अटनबर्ग को, और ये यूके के हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, याद रखेंगे। तो सारी चीजें याद हो गई हैं। अगर आप लोगों को अभी भी किसी में कंफ्यूजन है, अभी भी किसी में कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोगों के लिए क्या है एक बार रिपीट कर देता हूं वापस 10 के 10 फास्ट मोड में, ठीक है। तो फास्ट मोड में हम 10 के 10 क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा ठीक है। तो देखो एक बार फटाफट से, पहले हमने पढ़ा था एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड। तो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पत्रकारिता पुरस्कार ये 2 लोगों को मिला था, नितिन सेठी, शिव सहाय को। अगला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020, ये सुधा पैनुली को मिला था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 53 है, बहुत बढ़िया। म्यांमार के सेना प्रमुख कौन है? तो म्यांमार के सेना प्रमुख है मिन आंग हुइंग, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद है यूनेस्को का, अगर हम बोलेंगे तो यूनेस्को ने एक आप लोगों का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया है आप लोगों का, इसके विजेता कौन है, इसके विजेता जिनेथ वेदुआ लिमा है, जिनेथ वेदुआ लिमा है, याद रखिएगा ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है दोस्तों एक चीज और समझेंगे, देखो ध्यान से, ये जो जरूरत वाला ज्ञान है ना हिंदी, इसको आप ब्लॉक कर दो ठीक है, ध्यान से इसको सभी लोग ब्लॉक करेंगे, एक बार इसको रिपोर्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल आरती लांबाजी करवा देंगे। तो ये जो भी एक स्टूडेंट है इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा ठीक है, चलो। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करेंगे 2019-20 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसके अध्यक्ष प्रफुल पटेल हैं, तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है दोस्तों गुरप्रीत संधु और संजू यादव को, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, हाँ सभी लोग कर देंगे उसको ठीक है, तो बेकार माहौल नहीं खराब होना चाहिए पढ़ाई का ठीक है, चलिएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? उषा मंगेशकर को मिला है, इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा ठीक है। उसके बाद है अगर हम बात करेंगे, रिपोर्ट करना बाद में ब्लॉक करना बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, डेटन, तो डेटन ने एक लिटरेरी पीस प्राइज दिया है,
लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ये मार्गरेट एटवुड को दिया है। किसको दिया है? मार्गरेट एटवुड को दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो आईजी नोबेल प्राइज मेडिकल एजुकेशन के लिए नरेंद्र मोदी को मिला है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है आप लोगों का, ये मिला है मेरे दोस्तों डेविड एटनबर्ट को। ये यूके के हैं, ये ब्रॉडकास्टर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 11वें नंबर पे। 10 क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए, इसी तरह से आपकी चीजें हैं ध्यान से। उसके बाद है देखो कि गांधी अवार्ड ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन। तो दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन द्वारा जो गांधी अवार्ड है वह किसको मिला है? तो आप लोगों को याद होगा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह को। तो गांधी अवार्ड किसके द्वारा? महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के द्वारा। महात्मा गांधी नेशनल क्या कहते हैं फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों का जो महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन है वो गांधी अवार्ड मेरे दोस्तों किसके द्वारा, मतलब आप लोगों का जो है ये किसको मिला है? संजय सिंह को मिला है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का जो कि और भी इंपॉर्टेंट बनेगा। निम्नलिखित में से किसे हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा में नोबल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए जो नोबल में चिकित्सा में नोबल पुरस्कार मिला है वो हार्वे जे ऑल्टर, मिशेल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को ही मिला है, याद रखेंगे। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस सी, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब होता है, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो होता है वो 28 जुलाई को होता है। कब होता है? 28 जुलाई को होता है। और इस बार जो नोबेल प्राइज मिला था ना आप लोगों का मेडिसिन में, वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ही मिला था। ओके, किसको मिला था? हार्वे जे ऑल्टर को, मिशेल ह्यूटन को और चार्ल्स एम राइस को। चार्ल्स एम राइस है, मिशेल ह्यूटन है और हार्वे जे ऑल्टर है। इस तरह का आप लोगों को याद में रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से, देखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला है जल्दी से बता देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ घाना को, सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या को या साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक को, आंसर कर दीजिएगा फटाफट से इसका। ठीक है, तो किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर 2020 का जो अवार्ड जीता है, बिल्कुल बी ऑप्शन यहां पे पुष्पा ने बताया बिल्कुल सही। तो आंसर बनेगा बैंक ऑफ घाना। तो जो बैंक ऑफ घाना है उसको मिला है। और गवर्नर ऑफ द ईयर कौन है? मार्क कार्ने। गवर्नर ऑफ द ईयर कौन है? मार्क कार्ने है। 2019 में शक्तिकांता दास थे, लेकिन 2020 में मार्क कार्ने है। कौन है दोस्तों? मार्क कार्ने है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। कोई डाउट यहां पर अभी तक हो तो, इस बार जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ये मिला है मेरे दोस्तों किसको? हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ घाना को। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या जाएगा? लास वेगास मूवी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या पूछ रहा है कि चाइल्ड यंग एक्ट्रेस अवार्ड, चाइल्ड यंग एक्ट्रेस अवार्ड किसमें? लास वेगास मूवी में। तो लास वेगास मूवी अवार्ड में, जैसे आपके आईफा अवार्ड होते हैं उस कैटेगरी में, जैसे आप लोगों के नेशनल अवार्ड होते हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड होते हैं, तो इसकी कैटेगरी क्या है? लास वेगास मूवी अवार्ड में यंग, जो आपका चाइल्ड यंग एक्ट्रेस अवार्ड है ये किसको मिला है? ये दोस्तों के महाश्वेता को मिला है, के महाश्वेता। तो किसको मिलेगा? के महाश्वेता में। ठीक है, चलिएगा उसके बाद है के महाश्वेता में। दोस्तों इसको ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है, जिसने ब्लॉक नहीं किया इसको रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा ओके, उसको जरूरत वाले ज्ञान को ना। चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से।
तो ये किसको मिला है, के महाश्वेता को मिला है, ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते फटाफट से अगले उसकी तरफ, अगले उसकी तरफ बढ़ जाइएगा एक बार। हाँ ब्लॉक कर दिया ना, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक, पहले रिपोर्ट करना बाद में ब्लॉक करना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 इंपोर्टेंट है, देखो एक एक क्वेश्चन ना मैं आप लोगों के लिए बड़ा ढूंढ करके लाया हूं, मतलब कुल मिलाकर के पिछले सारे पेपर्स को देख करके उस पर बेस क्वेश्चंस बना करके ये सब आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड, डॉक्टर तुलसीदास जो चुग अवार्ड है आप लोगों का, अगर उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा तो डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड ये मेरे दोस्तों किसको मिला है आप लोगों का, वेणु श्रीनिवासन को, सतीश मिश्रा को, छन्नू लाल को या नितिन सेठी को, तो आंसर बन जाएगा सतीश मिश्रा को। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड, डॉन्सर तुलसीदास चुग अवार्ड अगर हम बात करेंगे तो ये चीज आप लोगों की क्या है, किसको मिला है, ये आप लोगों का सतीश मिश्रा को मिला है, ये किसको मिला है, सतीश मिश्रा को मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के लिए, क्या नेशनल वाटर अवार्ड फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट स्टेट फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। देखो ईयर जरूर याद रखना है 2000, ठीक है, उसके बाद 2019 में जल सुरक्षा और प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होने के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में ये किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है आप लोगों का तमिलनाडु को, किसको मिला है, तमिलनाडु को, ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो कॉमन क्वेश्चन हम सुबह 6 बजे पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसमें हम सारा का सारा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन क्वेश्चन को सिलेक्टेड जो आपके SSC एग्जाम्स में काम आएंगे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोफेसर NO भदूरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड, तो प्रोफेसर AN भदूरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड ये किसको मिला है, तो आप लोगों से कभी भी ये पूछा जाएगा तो आंसर ये क्या बताएंगे, सुशांता कर को मिला है, ये मिला है सुशांता कर को, ये ए ऑप्शन नहीं है, अच्छा इसमें हिंदी में भी लिखा सुशांता कर को मिला है, किसको मिला है दोस्तों, सुशांता कर को मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा सुशांता कर को मिला है, क्वेश्चन देखो टफ है नो डाउट, लेकिन हमें तो एक एक नंबर को लेकर के चलना है ना, तो क्वेश्चन थोड़े से टफ है बट कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलना है, इंपोर्टेंट है मार्क कर लेंगे दोस्तों। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड ये किसको मिला है, तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड ये किसको मिला है आप लोगों का, बजरंग पुनिया को, ठीक है, या फिर इलावेनिल को, विराट को, या दोनों को, पहले ए बी को बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो फटाफट से। तो बिल्कुल, तो ऐसा तो ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है, बजरंग पुनिया को भी मिला है और आप लोगों का इलावेनिल को भी मिला है, ठीक है, दोनों इंडियन है, कभी सोचो ये इलावेनिल का नाम सुनकर के, तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड दोनों को मिला है, ये चीज आपको याद में रखनी है, इंपोर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा। पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये किसको मिला था दोस्तों, सभी को मालूम होगा, जो बिडेन को, कमला हैरिस को, तो जो बिडेन और कमला हैरिस दोनों को मिला है ये आप लोगों का क्या, हमारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपोर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा। ओके चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है भाई, 2020 का जो रामानुजम प्राइज दिया गया है यंग मैथमेटिशियन का, ये किसको मिला है, सभी को मालूम है इसके बारे में, ए ऑप्शन है, मैंने कई बार आपको बताया है, कैरोलिना अरुर्जू को, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है जल्दी से, तो ये सारी की सारी जो है आपके हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों का था, 20 क्वेश्चन थे आप लोगों के, यहाँ पर मैं आप लोगों का जो बैच है आज से ही शुरू हुआ है SSC, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं क्या दोस्तों, एक अभी आगे क्वेश्चन भी है, बेफिक्र रहिएगा, ये है अभी आप लोगों का क्या है, डेली SSC की क्लास, SSC की एक तो क्लास होगी और एक आप लोगों का टेस्ट होगा,
तो एसएससी का जो क्लास होगा वो तो 5 बजे होगी और एसएससी का टेस्ट 6 बजे होगा, ठीक है। 6 बजे अनअकैडमी की ऐप पर मुझे मिल जाना आप लोग, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद वो आपसे कोड मांगेगा, तो GC10 लगा देना फ्री क्लास के लिए भी, स्पेशल क्लास है आप लोगों का। टेस्ट ऐप पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों का है, और 21वें नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर होमवर्क में करना। रेलवे की क्लास जो है शाम को 7 बजे चल रही है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, 7 बजे आपको रेलवे की क्लास मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई डाउट है यहाँ पर तो मुझे बता सकते हैं सारी की सारी चीजें, और अभी 6 बजे जल्दी से फटाफट से आ जाओ, मेरे साथ में SSC का टेस्ट देना है। कोई डाउट यहाँ पर होगा तो बता देना, ठीक है, चलिएगा। तो ये आपकी क्लास थी दोस्तों यहाँ पर, ओके। तो किसी का कोई डाउट होगा नीचे कर देंगे। ये बैच है फाउंडेशन बैच, जो कि आपका डेली 11 बजे चलता है CA CHSL के लिए। हाँ बिल्कुल मनोज जी, वही करवा रहा हूँ, ठीक है। मंडे से फुल फ्लेज क्लास शुरू हो जाएगी, आज जिसने क्लास नहीं देखी जरूर देख लेना, मंडे से फुल फ्लेज क्लास शुरू हो जाएगी, ओके। तो ये है होमवर्क का क्वेश्चन, देख लो, ये रहा आंसर, जो है जरूर करना। नीचे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय है दोस्तों, टेक केयर है। कैसी लगी क्लास जरूर बताएंगे नीचे कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।